हे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सट्रीम स्टोर चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एडसेंस के लिए कौन सा बैंक बेस्ट है, वो भी प्रूफ के साथ। सो गाइज, आज हम दो बैंक्स को कंपेयर करेंगे। एक है हमारा SBI एंड दूसरा है हमारा ICICI। हम दोनों बैंक्स में एक एक बार पेमेंट रिसीव कर चुके हैं एडसेंस से, एंड आज हम बात करेंगे कि किस बैंक में कितना टाइम लगा, कितना चार्ज लगा और कौन सा बैंक हमारे लिए बेस्ट है। तो चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहीं पर हम सारा डाटा कंपेयर करेंगे एंड जानेंगे कि कौन सा बैंक में हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारा वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा। सो मैं यहाँ पर तीन चीज़ों को डिस्कस करूँगा। पहला, हमें किस बैंक में कितने जल्दी पैसे आ गए, मतलब कितना टाइम लगा दोनों बैंकों में पैसा रिसीव होने में, एंड किस बैंक का क्या रेट रहा, मतलब हमें कितना डॉलर के बदले में वो उसने कितना रुपए हमें प्रोवाइड किया एंड कितना चार्ज उसने काटा। एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि कौन सा बैंक हमारे लिए सबसे बेस्ट है। सो सबसे पहले मेरा जो पेमेंट हमने रिसीव किया था वो SBI में किया था, तो हम पहले SBI की ओर चलते हैं। एंड ये रहा SBI का गूगल वाला रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट हमारा। सो हम देख सकते हैं कि 21 अक्टूबर को ये पेमेंट हमें हुई है $166 की। ओके, सो 21 अक्टूबर को $166 की। एंड ये हमने रिसीव कब किया है तो हम इसकी ओर चलते हैं। सो ये मैंने अपने SBI का स्टेटमेंट उस दिन का निकाला हुआ है जिस दिन हमने वो पेमेंट रिसीव की थी। तो ये 14 नवंबर को हमने पेमेंट रिसीव की है, जो कि हमें 11,921 रुपये मिला है। एंड SBI ज़्यादा डिटेल्स हमें प्रोवाइड नहीं करता, उसने बस ये नंबर्स कुछ लिख दिए थे। एंड तो देख सकते हैं हम, ये 21 अक्टूबर को चला था पैसा एंड हमें रिसीव हुआ है 14 नवंबर को। इट मीन्स हम मान सकते हैं कि 10 दिन उधर, टोटल 25 दिन हमें लग गए, 25 दिन हमें लग गए गूगल से पेमेंट रिसीव करने में SBI में। ओके, सो 25 दिन काफ़ी लंबा टाइम होता है दोस्तों। एंड अगर आप बात करेंगे चार्ज की तो उसने क्या चार्ज काटा था, तो चार्ज है ये रहा सर्विस चार्ज, यहाँ पर लिखा हुआ है 14 नवंबर को, तुरंत कुछ देर बाद ये पैसे कट गए थे, जो कि 45 रुपये हैं। सो 45 रुपये हमारा चार्ज कटा है एंड हमें ये पेमेंट रिसीव हुआ है 25 दिनों के बाद में। सो अब 25 दिनों के बाद, मतलब 14 तारीख को जब हमें पेमेंट रिसीव हुआ है, तो उस दिन का हम रेट देख लेते हैं कि डॉलर का रेट क्या था। सो हमने ये देख लिया जी, 14 नवंबर को रेट देखा है नेट से गूगल के थ्रू। सो उस दिन का रेट जो था, मार्केट रेट था, वो $1.7247 था। ओके, सो इसे याद रखिएगा, हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे कि हमें किस बैंक में कितना लॉस हो रहा है, हम वही यही से कैलकुलेट करेंगे। सो अब चलते हैं हम अपने ICICI बैंक की ओर। सो ICICI बैंक में ये रहा पेमेंट रिसिप्ट हमारा, एंड आप देख सकते हैं ये 7 दिसंबर को पेमेंट चली थी एंड $183 की पेमेंट थी। ओके, सो 7 दिसंबर को ये पेमेंट चली थी एंड 183 की थी। देखते हैं हम रिसीव कब किए हैं। सो आप देख सकते हैं, ये मैंने ICICI का स्टेटमेंट निकाला है, सिर्फ और सिर्फ उसी दिन का निकाला है जिस दिन का हमने पेमेंट रिसीव की थी। तो 7 दिसंबर को वो चली थी एंड हम यहाँ पर देख सकते हैं ये 10 दिसंबर 2018 को हमने रिसीव कर लिया, मतलब 7 के बाद 8, 9, 10, कुल मिला के बीच में एक संडे भी पड़ा था, तो हम मान के चल रहे हैं कि 2 दिन में हमने ये पेमेंट रिसीव कर लिया था। सो यहाँ पर पूरा पूरा डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, ICICI काफ़ी अच्छे से डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि यहाँ पर है कि $183 है USD, और ICICI जो हमें रेट दे रहा है वो है 69.72 का रेट। ओके, मतलब एक डॉलर के बदले में वो हमें इतने रुपये प्रोवाइड कर रहा है एंड GST कुछ काट रहा है, 4 करके कुछ लिखा हुआ है। ओके, एंड डेट एंड टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है। सो एंड हमें अमाउंट कितना मिला, $183.85 का, ₹12,773। सो गाइज, ये तो था ड्यूरेशन की बात। हमें SBI में 25 दिन लगे एंड ICICI में हमें लगभग 2 दिन लगे। सो यहाँ पर ICICI विनर है एंड ICICI, अगर आपको टाइम, मतलब कि आप चाहते हैं काफ़ी कम टाइम में पेमेंट रिसीव करना, तो ICICI आपके लिए बेस्ट है। बट अभी एक और बात है लॉस की, कि किस बैंक में हमें कितना लॉस हो गया डॉलर्स के बदले रुपये रिसीव करने में। सो हर बैंक का अपना अलग अलग रेट रहता है। सो इसने 69.72 रुपीज़ लगाया है, तो देखते हैं हम कि उस दिन का रेट कितना था, किस दिन का, 12 दिसंबर का।
12 दिसंबर का रेट आप देख सकते हैं, बारह नहीं, फिर से चलते हैं, हम देखते हैं इसका डेट क्या है। हाँ तो 10 दिसंबर का है एक्चुअली दोस्तों, ये उल्टा फॉर्मेट में लिखा हुआ है, पहले 10 तारीख है फिर 12वां महीना है 2018, सो 10 दिसंबर का हमें डेट डॉलर का रेट देखना है। सो ये रहा हमारा, हमने गूगल पे सर्च कर लिया है पहले से ही। सो 10 दिसंबर का रेट देखिए आप, 10 दिसंबर का 10 डॉलर का रेट है 727 रुपये, तो एक डॉलर का रेट हो गया 72 रुपये एंड 74 पैसे, सो 72.74। ओके सो आइए लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं हम, ये एक्सेल पे मैंने पहले से बना लिया है। सो आईसीआईसीआई की ओर अगर हम चलें तो 72 रुपये 72 पैसे का मार्केट रेट चल रहा था उस दिन एक डॉलर का। ओके सो देख लेते हैं हम एक बार और, तो हाँ 72 रुपये 74 पैसे हैं तो कोई बात नहीं। सो 72 रुपये 74 पैसों का रेट चल रहा था उस दिन, एंड जो बैंक रेट था वो मिला हमें 69.72। तो कुल मिलाकर के हमें जो डिफरेंस हम देख रहे हैं मार्केट प्राइस से बैंक का रेट का, वो है 3 रुपये का। सो आईसीआईसीआई हमें 3 रुपये हर डॉलर पे कम दे रहा है। एंड अगर हम वही एसबीआई की बात करें, सो एसबीआई का उस दिन का रेट था 72 रुपये 47 पैसा, जिस दिन हमने पेमेंट रिसीव किया था एसबीआई में, एंड बैंक ने जो हमें रेट प्रोवाइड किया था वो है 71 रुपये 55 पैसे। ओके सो बैंक ने हमें रेट कहीं स्पेसिफाई नहीं किया, हमने डायरेक्टली क्या किया है कि जो हमें पैसे मिले थे उसको हमने डॉलर से डिवाइड कर दिया, तो हमें रेट पता चल गया, तो 71 रुपये 55 पैसा का हमें रेट मिला है। सो डिफरेंस आप देख सकते हैं मार्केट प्राइस एंड बैंक रेट में, जो डिफरेंस है मार्केट प्राइस एंड बैंक में वो है 90 पैसे के आसपास। सो गाइस आप देख सकते हैं फ़र्क, आईसीआईसीआई में वो 3 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है मार्केट प्राइस से, एंड एसबीआई में जो फ़र्क पड़ रहा है वो लगभग लगभग 90 पैसे यानी 1 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है। तो कुल मिला के हमें जो लॉस हो रहा है आईसीआईसीआई यूज़ करने पर वो है 2 रुपये हर डॉलर पे। सो हमने आईसीआईसीआई में रिसीव किया था 183 डॉलर, तो हमारा जो टोटल लॉस हो गया है वो 382, मतलब जस्ट इसमें हमने 2 का डायरेक्टली मल्टीप्लाई एक तरह से कर दिया है। सो हमें 382 रुपीज़ का लॉस हो गया है आईसीआईसीआई बैंक यूज़ करने से। सो गाइज अब आप सोच रहे होंगे कि आपके लिए कौन सा बैंक अच्छा है, तो ये आपके ऊपर है। अगर आप ज़्यादा दिन तक वेट कर सकते हैं तो मैं कहूँगा आप एसबीआई की ओर जाइए, क्योंकि वहाँ पे पहले 25-30 दिन लगते हैं, बट वहाँ पे जो आपका डॉलर का रेट है वो ज़्यादा आपको मिलेगा। एंड अगर आप वेट नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो आपके लिए आईसीआईसीआई बेस्ट है। यहाँ पर आपको 300-400 रुपये का घाटा होगा, बट आपको जो पेमेंट है वो 2 से 3 दिनों के अंदर में आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ओके दोस्तों, सो मुझे लग रहा है कि आपकी जो क्वेरीज हैं वो यहाँ पर सॉल्व हो गई होंगी, कि कौन सा बैंक यूज़ करना चाहिए, प्राइवेट बैंक यूज़ करना चाहिए आईसीआईसीआई जैसे या फिर कोई गवर्नमेंट बैंक। सो गवर्नमेंट बैंक के साथ क्या है, रेट काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है बट टाइम ज़्यादा लगता है, एंड आईसीआईसीआई में रेट थोड़ा लो है बट टाइम काफ़ी कम लगता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो आपके मन में, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा।